था यूनिवर्सिटी असाइनमेंट सबमिट कराना है, अच्छा आज थी क्लास नहीं, तो मैं जा रहा था दोपहर में, तो दादी ने कहा मैं भी चलती हूँ, दादी को थोड़ा शाम में घूमना पसंद है क्योंकि यार लाइट वगैरह होती तो आराम से देख लेती हैं, उन्होंने कहा मैं भी चलती हूँ, जब आओ जल्दी तो आओगे तो साथ आ जाऊँगी, मैंने कहा चले ठीक है ऐसा नहीं, मैं दादी को ले गया। अच्छा वहाँ जब हम पहुँचे तो मैंने कहा यार एसी खुला छोड़ दूँ चला जाऊँ, तो मैंने कहा गाड़ी वैसे ही लॉक हो गई तो दादी को कूलर नहीं आया तो सीन हो जाएगा, तो मैंने क्या किया गाड़ी बंद कर दी, मैंने कहा दादी आप थोड़ी देर शीशा खोले मैं आ रहा हूँ जब तक, दादी का ठीक है, दादी ने शीशा खोला मैं चला गया। अच्छा मैं काफ़ी जल्दी में था क्योंकि वापसी मुझे बहुत ज़रूरी काम था, खैर मैं गया तो वापसी में जब आया तो गाड़ी खोली तो गाड़ी का लॉक नहीं खुले। अच्छा नहीं पहले मुझे एक बंदा बोला था गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ, कह रहा इधर आओ। अच्छा मैं था जल्दी में, मैंने कहा हाँ ऐसे था भी हट्टा कट्टा, मैंने कहा कह रहा हो खाने पीने के लिए पैसे मांग रहा हूँ, मैंने कहा यार अभी जल्दी में बात बात करूँगा, मैंने गाड़ी का लॉक खोला तो लॉक नहीं खोला, कहने लगा मैंने लॉक किया, मैंने कहा इसने लॉक किया, मैं पीछे गया तो कहने लगा आपके पीछे दो बंदे आ रहे थे और आपको फॉलो कर रहे थे और वो चोर थे तो मैंने गाड़ी लॉक कर दी। अच्छा मैं काफ़ी जल्दी में था, मुझे समझ नहीं आई कि बात हो क्या रही है, मैंने कहा ठीक है ठीक करके मैं निकल गया। रास्ते में जब पता चला तो दादी ने, मैंने दादी से पूछा दादी आदमी जो बात कर रहा था, दादी कह रही हाँ ये आया था, इसने गाड़ी आगे ड्राइविंग साइड वाला डोर खोला और बैठ गया, कहने लगा कि जो चला रहा था वो कहें, दादी का तुम हो कौन भाई उतरो गाड़ी से, तो कहने लगा बताएं चला कौन रहा था, वो लॉक खुला छोड़ गया ये वे चोरी हो जाएगी ये वगैरह, खूब उसने इधर उधर देखा और काफ़ी गाड़ी देखा कि कुछ मिल जाए उसको, वो इतने में उतर गया उसने गाड़ी वाड़ी लॉक करके आगे चला गया। तो मैं जब रस्ते में चल मैं दादी आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया, दादी ने तुम इतनी जल्दी में तुमने सुनी नहीं, तो भाई आजकल काफ़ी चोरियाँ हो रही हैं तो ध्यान से निकलो संभाल के रहो और लॉक वॉक करके जाओ गाड़ी, ऐसे ही छोड़ दी ना तो किस दिन निकल जानी, और अल्लाह का शुक्र आज बच गई दादी भी गाड़ी भी, तो भाई संभाल के चलो। और इस टॉपिक को रखते साइड पे आज मैं आया हूँ भाई चिप्सों पर, बहुत भूख लग रही थी रास्ते में पड़ा, मैंने खा लेते हैं और ट्राई करते हैं कैसा है कैसा नहीं, नया ही खुला है तो चिप्स ही हैं काफ़ी सारे आइटम हैं, तो चलते हैं भाई से बात भी करते हैं और देखते हैं क्या क्या आइटम है और फिर खाता हूँ और बताता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं, तो लेट्स गो। थर्ड वीक है सर, थ्री वीक्स हो चुके हैं तकरीबन। अच्छा तो काम में मजा आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह, आवाम को बहुत पसंद आ रहा है टेस्ट, बहुत लाइक कर रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो तकरीबन ऑल ओवर हैदराबाद में नहीं है किसी के पास भी, हमारी फ्राइज क्रिंकल फ्राइज है हमारे पास, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि डिफरेंट चीज़ें में मसालाज हैं, एडॉन्स में हमारे पास चीज़ सॉस है और बारबेक्यू सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, डायनामेटिक सॉस है और चिकन चीज़ बारबेक्यू रोल है और क्लब सैंडविच है, चिकन सैंडविच है, तो रनिंग आइटम में मेरे पास फ्राइज़ है, मे बी मायो फ्राइज़, गार्लिक फ्राइज, मसाला फ्राइज, प्लेन फ्राइज, ये रनिंग आइटम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ओपनिंग सर 5 PM टू 2 AM। फ्राइज मेरे पास स्मॉल पैक है वो 50 rupees है फ्राइज, मायो फ्राइज, प्लेन फ्राइज, मसाला फ्राइज, ऑल ओवर आइटम सेम प्राइस। अच्छा 50 rupees, लार्ज 100 rupees। सर एड्रेस है हमारा सदर कैंट डॉक्टर लाइन नियर आगा खान लेबोरेटरी, उसके सामने ही स्टॉल है भाई का आपके चिप्सों के नाम से, तो आए इंशाल्लाह ट्राई करें। हाँ भाई तो मैंने ले लिया। अच्छा मैंने फ्राइज़ और रोल लिया और मैंने जो कहा इनकी जो रनिंग आइटम है वही दे दें मुझे, तो उन्होंने मुझे फ्राइज़ दिए, उसमें केचप भी डाली है, मैनीज भी डाली है, मसाले भी डाला है और साइड पे गार्लिक केचप अलग से दिए, और रोल मैंने चीज़ रोल लिया। अब पहले फ्राइज़ चखता हूँ और फिर रोल, फिर बताता हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं। केचप अच्छी है, बेकार वाली नहीं है ना, पानी वाली है। दूसरी बात मायनीज भी अच्छी क्वालिटी वाली है भाई, और उन्होंने जो स्टिक दिए उससे ये हाथ नहीं भरेगा, आप आराम से खा लोगे लेकिन दूसरी बात के साथ में रोल भी तो हाथ तो भरना पड़ेगा, तो भाई ना चाहते हुए ही भरेगा हाथ। फ्राइज अच्छे हैं, क्रिस्पी हैं और मज़ा आ रहा है खाने में, क्योंकि गरम गरम है बिल्कुल। अब टेस्ट करते हैं रोल, ये रोल कैसा है।
फिलिंग बहुत अच्छी है। उसी बात थोड़ा हीरो बन जाऊँ, थोड़ा बाल ख़राब हो गए ब्लॉग में। खैर बाल को छोड़ो, रिव्यू पे कॉन्सेंट्रेट करो। खैर फिलिंग बहुत अच्छी है, भरी हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जल गया ऊपर से, तो खैर यार कभी कभी हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। इसमें कैचअप के साथ लेके देखता हूँ कैसा लग रहा है। अरे भाई मजेगा दम है बंदे में। इनके पास काफ़ी वैरायटी हैं, रोल भी हैं, समोसे भी हैं भाई। अच्छा बीफ का भी है, चिकन का भी है। रोल में चीज़ है और मायो, चिकन नहीं है। चिकन है या नहीं? अच्छा चिकन है रोल में, चिकन में, ओ रोल में चिकन है, चिकन में रोल कह रहा था। दूसरा समोसे में बीफ है और चिकन है, दोनों अलग अलग हैं। फ्राइज़ में काफ़ी वैरायटी हैं, पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं और काफ़ी फ्राइज़ हैं, और अलग अलग सॉसेस भी हैं, जैसे बारबेक्यू सॉस है, ब्रदर ने बताया, बाकी बहुत सारी सॉसेस हैं, तो वो भी आप ऐड ऑन करा सकते हो अपनी तरफ से। बाकी जो आपको पसंद है वो लो और इन्जॉय करके देखो और टेस्ट करके देखो और भाई को रेट दो। अच्छा जिसको नहीं पसंद केचप और मायो तो भाई वो सादा ले लो। मैंने लिया एक साइड पे ताकि टेस्ट करके बता सकूँ, तो टेस्ट करके बताता हूँ कि सादा कैसा। जैसे देख सको इस पर ना केचप है, ना मसाला है, ना सॉस है, वही चेक कर ये टेस्ट करके बता दूँ कैसे हैं। जिनको भाई केचप मेयोनीज नहीं पसंद वो सादा लोग, उनके लिए सादा ही बेस्ट है। तो मुझे केचप पसंद है, तो मुझे केचप के साथ ही मज़ा आ रहा है। अभी भाई से उस पर भी डलवा लूँगा केचप वगैरह। या फ्राइज़ और रोल दोनों खा लिए। अच्छा भाई दोनों अच्छे थे और दोनों की राइस सेम थी, दोनों 70-70 के थे और दोनों गरम थे और अच्छे लगे मुझे गरम गरम, क्योंकि भाई गरम गरम चीज़ हर चीज़ अच्छी लगती है, और वैसे भी अच्छे हैं ये, कोई बुरे नहीं हैं, इतने प्राइस में बहुत अच्छे हाइजेनिक है। सबसे ज़्यादा ये बात है, क्योंकि मैंने दूसरे भाई से इनके पूछा था तो वो कहते भाई हम सब होममेड चीज़ बनाते हैं, कुछ बाहर से नहीं लाते, सब हमारा घर का बना होता है। दूसरी बात ये कि भाई सेटिंग का थोड़ा सीन ऑफ है, क्योंकि वैसे ही बॉयज़ के लिए सिटिंग का कोई इश्यू नहीं होता, वो खड़े होकर भी खा लेते आराम से, बस फैमिली के लिए थोड़ा होगा तो गाड़ी में बैठ के खा लें, बाकी सब सेट है। और भाई रात में भी बता दिया टाइमिंग क्या है, तो भाई आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर शेयर करो, ताकि अभी कितने 250-300 हैं, तो उससे शेयर करोगे तो डबल हो जाएंगे, मतलब 500-600। तो भाई को थोड़ा पब्लिसिटी दो, और पब्लिसिटी दो नहीं पब्लिसिटी करो, क्या कह रहा हूँ मैं, रोल खा के मुँह जल गया और दिमाग बंद हो गया। तो भाई ये सीन है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।